हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर मिड मिनट्स। सो आज हम करने वाले बहुत ही मजेदार सा चैलेंज, क्योंकि आज हम लोगों ने चैलेंज में रखा है सोयाबीन करी विथ राइस इटिंग चैलेंज, और गाइस बहुत सारे ग्रीन चिलीज भी। तो जो पूरा फिनिश करेगा वही बनेगा विनर, और लूजर को एक बहुत ही खतरनाक सा पनिशमेंट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड गो। सो गाइस, ये फिर से आज लूजर बन गई, और आज मैं इसको बहुत ही खतरनाक सा पनिशमेंट दूंगी। और गाइस, लूजर बनने के बाद भी मैं थोड़ा सा खाली हूँ, और इससे थोड़ी देर में खा लूंगी पनिशमेंट करने के बाद। तो चलिए पनिशमेंट कर लेते हैं। सो गाइस, मैं इसका पनिशमेंट लेकर आ गई, और ये भी एक रिक्वेस्टेड पनिशमेंट है। और मुझे खाना है 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। और गाइस, ये पनिशमेंट इसी के लिए आया था, मैं पहले ही बता रही थी कि ये तुम्हारे लिए है।
तो मैं घर के एक चम्मच दे रही हूँ और शायद बिना पानी के। तो गाइस ये मैंने पूरा इसको भर दिया, शायद एक चम्मच से भी ज्यादा, ये 2 चम्मच हो गया। तो अब गाइस ये क्या बोलते हैं, कमेंट 2-3 दिन पहले ही आया था, तो हम इसको आज कर रहे हैं। मैं मुंह में डाल के और पानी पी सकती हूँ? नहीं, मेरा तो पूरा मुंह जलने लगेगा इसे चबा के। हाँ चबा के तो करना ही है। ठीक है, 1 2 3 2 स्टार्ट करते हैं। उसको अंदर लो। नहीं ये पनिशमेंट नहीं हुआ फिर। ये भी पनिशमेंट आ गया। मैंने उसको खाया ना, मेरे पेट में जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, ये ना सबसे बड़ा दांत में वो लग गया। कोई बात नहीं, दवाई साफ कर। और गाइस इसका पनिशमेंट इजी हो गया, ऐसे कमेंट नहीं आया था कि पानी पीना है। अच्छा उसमें कमेंट आया था कि खाना है, पानी पीना है या नहीं पीना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उसको चबाना है या नहीं चबाना है? तुम मिर्ची खिलाती हो तो पानी नहीं देती हो, तो ग्रीन चिली होता है ना, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है खाने के बाद। ये तो खाने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम कर, लेकिन अभी पेट में जलन हो रहा है धीरे धीरे। तो और लूजर बनो, इससे भी खतरनाक सा पनिशमेंट दूंगी। अब तो मुझे पनिशमेंट, मुझे तो आइडिया मिल गया है ना, मैं तो इसके पनिशमेंट का कॉपी करती हूँ, तो मैं कभी भी कॉपी कर सकती हूँ, बच के रहना। तो मैं लूजर बनूंगी नहीं, बनाऊंगी नहीं, बनने वाली बनाऊंगी, एक बार मेरे ठीक हो जाएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।